करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज आपका 24 जनवरी वेंसडे एंड आई एम योर होस्ट आशीष। डॉलर इंडेक्स अभी है 103.54। कल के दिन में जो प्राइस एक्शन हमने देखे वो है एक स्पिनिंग टॉप कैंडल, स्मॉल बॉडी विथ प्राइस रिजेक्शंस एट बोथ एंड। तो यहाँ पे कल के दिन में हाई जो था वो आपका 103.81 एंड लो जो था वो 102.98, दोनों तरफ काफी वॉलिटिलिटीज देखा गया है। बट जो मेन ओपनिंग एंड क्लोजिंग लेवल्स इज ए स्मॉल बॉडी, क्रिएटिंग द स्मॉल बॉडी। यहाँ पे हमने एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट डाला हुआ है। Until and unless dollar index इस trend line के नीचे strong close देते हैं and strong close देने के बाद ये follow through देते हैं, तब तक यहाँ पे weakness का नामो निशान dollar index में हम नहीं देख रहे हैं। अगर zone wise देखेंगे यहाँ पे आपका 100.6080 is an important support level, whereas on the higher side 104 से 104.30 is an important resistance zone. जब तक इस range के अंदर में होगा momentum ज्यादा कुछ मिलने का probabilities कम है। Either side breakout के बाद कुछ means momentum one directional momentum हम expect करेंगे, so हमें साइड ब्रेकआउट का इंतजार करना पड़ेगा। डॉलर रुपी जो अभी है आपका 83.1516 लेवल्स, सो यहाँ पे आपका जो रेंज है और भी रेस्ट्रिक्ट हो गया। ऑन द लोअर साइड 83.10 एंड ऑन द हायर साइड 83.20। सो इंट्राडे पर्पस के लिए पहले हमें इस रेंज के लिए खेलना है 83.10-83.20 के बीच में, एंड व्हेनेवर आइदर साइड ब्रेकआउट होते हैं तो नया रेंज ऑन द ऊपर ऊपर की तरफ ऐसे भी 30-40 के ऊपर जाने का मींस पॉसिबिलिटीज बहुत ही कम है जब तक इनविजिबल हैंड्स है, एंड नीचे के तरफ 83.10 इज गोइंग टू एक्ट एज अ सपोर्ट। अगर ह्यूज इनफ्लोज आते हैं ब्रेकडाउन करते हैं वहां पर भी इनविजिबल हैंड्स रहेंगे। सो कहने का मतलब यही है आज के दिन के लिए नैरो रेंज के अंदर में 83.10-83.20 के बीच में खेलेंगे, और अगर कुछ फ्लोज के लिए वेदर द इनफ्लोज और द आउटफ्लोज के लिए अगर आइदर साइड ब्रेकआउट होते हैं तो उसके बाद 5-10% मैक्स के लिए रेंज ब्रेकआउट के लिए खेलेंगे। यहाँ पे ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस ट्रेंडेड मूव का एक्सपेक्टेशंस है नहीं। जीबीपी डॉलर आपका कल के दिन में एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया हुआ है रेड कलर, बट प्राइस रिजेक्शन एट बोथ द साइड, यानी यहाँ पे पॉज है। यहाँ पे आपका जो हाई है वो है आपका 1.28-1.2840 का, एंड ऑन द लोअर साइड आपका 1.26 का। इस रेंज के अंदर में जब तक रहेगा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। एक बार साइड ब्रेकआउट हो जाते हैं उसके बाद एक डायरेक्शनल मूव के लिए हम इंतजार कर सकते हैं। वैसे भी आज के दिन में PMI डेटा, UK PMI as well as Eurozone PMI बाकी है, एंड कल के दिन में आपका किसी भी रेट decisions as well as आपका UK का भी रेट decisions, दोनों BOE का दोनों रेट decisions है, तो आज और कल में काफी कुछ हलचल हो सकते हैं, means volatile move हो सकते हैं। लेकिन overall जब तक either side breakout नहीं होते कुछ major changes हम expect नहीं करेंगे। GBP INR में भी सिमिलरली आपका 106.5080 ऑन द हायर साइड एंड नीचे के तरफ आपका 104.7595 ऑन द लोअर साइड। जब तक इस रेंज के अंदर में वॉलेटाइल मूव रहेगा एक बार आइदर साइड ब्रेकआउट होने देते हैं उसके बाद एक मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी आते हैं आपका यूरो डॉलर। यूरो डॉलर में ये कल के दिन में सिमिलरली एक स्पिनिंग टॉप कैंडल रेड इन कलर बट प्राइस रिजेक्शंस एट बोथ द साइड, यानी यहाँ पे आपका जब तक इस स्पिनिंग टॉप के आइदर साइड ब्रेकआउट नहीं होते तब तक मोमेंटम नहीं मिलेगा, और रेंज वाइज ऑन द लोअर साइड 1.073050 इज गोइंग टू एक्ट एज ए सपोर्ट लेवल, हर इज ऑन द हायर साइड 1.1100
40 is going to act as a major resistance level. इसके अंदर में टू वे चॉपी वॉलेटाइल बिहेवियर हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे जो है जो सिग्नल्स है नेगेटिव के तरफ आ रहे हैं. RSI डेली जब तक सपोर्ट 40 में सपोर्ट ले रहे तब तक ठीक है, एक बार अगर 40 सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आते हैं तो सेल ऑप्टिक्स में भी कंसिडर्ड. यूरो INR पे भी कल एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया हुआ है, प्राइस रिजिस्टेंस एट अबोव द एंड्स. अभी नीचे की तरफ एक सपोर्ट जो है वो है आपका 89.60, 89.80, RSI एट 40. एक बार अगर RSI 40 के नीचे चले जाते हैं और इस सपोर्ट जोन को ब्रेक डाउन करते तो एक मोमेंटम हमें मिल सकते हैं. डॉलर येन कल के दिन में आपका BOJ का रेट डिसीजन था जहां पे दे हैव डिसाइडेड टू मेंटेन द अल्ट्रा लूज इंटरेस्ट रेट पॉलिसीज एंड इवन आपका जो मींस इजी मींस लिक्विडिटी वो कंटिन्यू करने वाले हैं इवन दे ट्राई टू हाइक द रेट. तो यहाँ पे कल के दिन में एक वॉलेटाइल देखा गया आफ्टर द बीओजे रेट डिसीजन, एक लो मारा 146.98 बट कुड नॉट सस्टेन द लो. यहाँ पे एक ट्रेंडलाइन सपोर्ट है, इस ट्रेंडलाइन सपोर्ट के नीचे जब तक स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं दे देते हैं सेलिंग हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट है. वैसे भी 149.50 के आसपास एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकते हैं. कीपिंग एन स्टॉप लॉस ऑफ 100 पिप्स वी कैन ट्राई फॉर 300, 500 और इवन 900 पॉइंट्स का एक टारगेट हम के लिए देख सकते हैं. JPY INR कल एक यहाँ पर भी प्राइस रिजेक्शन हुआ है. यहाँ पे बेसिकली हम W पैटर्न के लिए इंतजार कर रहे हैं जहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं. अगर आप देखोगे क्या देखोगे, प्राइस एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहे हैं, एक बार रेक्टेंगल के बाहर निकल जाते हैं possibly on the higher side. I am voting for means एक bullish momentum on the higher side, लेकिन confirmations है नहीं, confirmations के लिए इंतजार करना पड़ेगा. एक बार अगर मान लेते हैं ये आपका 17 जनवरी का हाई के ऊपर अगर सस्टेन कर जाते हैं, price actions positive price actions के साथ जाते हैं, in such case एक अच्छा खासा upward momentum towards 5750 से 5780 की तरफ जाने का हायर प्रोबेबिलिटीज है. अभी भी कंफर्मेशन है नहीं, हमें इंतजार करना पड़ेगा. डॉलर कैंडी, डॉलर कैंडी जो है आपका ये 1.3475 पे ये आपका क्या बोलते हैं इसको, चार्ट अलग सा दिख रहे हैं. So, यहाँ पे एक अप मूव के बाद फ्रॉम ए लो ऑफ 1.32 इट ट्रेडेड हायर टुवर्ड्स 1.3550, उसके बाद एक डिप दिया. ये जो डिप है दिस बिकम्स एन क्रूशियल इवेंट. क्या क्रूशियल, इसके लो के नीचे एक जबरदस्त सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हाई के ऊपर कंटिन्यूशन. अगर हाई के ऊपर कंटिन्यूशन होता भी है तो इमीडिएटली 1.36 इज गोइंग टू एक्ट एज ए मेजर रेजिस्टेंस लेवल. ये ऑसी डॉलर जो है वो एक बेस बनाने का प्रयास कर रहा है. यहाँ पर भी हम W पैटर्न के लिए इंतजार कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है. एक बार W पैटर्न के हाई के ऊपर पॉजिटिव प्राइस एक्शन के साथ प्राइस मूव करना चालू करते हैं तो यहाँ पे एक अप मूव हम देख सकते हैं टूवर्ड्स 0.6730 की तरफ. CNH 7.1680, यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दिया था. कौन सा ब्रेकआउट, 7.20 के ऊपर, लेकिन फॉल्स ब्रेक आउट के बाद ये नीचे अच्छा कंसोलिडेट किया. अभी फिर दोबारा ये प्रयास करेगा 7.20 को रिटेस्ट करने का. कैसे करते हैं इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा. ब्रेंट क्रूड करेंटली 79.80, कल के दिन में एक स्मॉल बॉडी बोथ साइड विक्स कैंडल एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया हुआ है. प्राइस ऐसा ही शार्प वॉलेटाइल बिहेव करेगा जब तक आइदर साइड ब्रेकआउट नहीं करते. ऑलरेडी आई एम रिपीटेडली डिस्कसिंग, जब तक इस रेंज के अंदर में होगा प्राइस विल बिहेव शार्प वॉलेटाइल एंड चॉपी बिहेवियर्स. एक बार आइदर साइड ब्रेकआउट होते हैं तो एक बढ़िया सा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते. सो ओवरऑल आप अगर देखोगे ऑल द मेजर करेंसीज एक रेंज के अंदर में है, ब्रेकआउट के बाद ही अच्छा वॉलेटिलिटी हमें मिल सकता है. अभी US 2-year treasury करेंटली 4.13, ये हमें अभी एक ये जो
23 जनवरी का एक ग्रीन कैंडल भी दिस बिकम्स एन इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन वाइज। इसके लो के नीचे एक अच्छा खासा सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एम पैटर्न के लिए। यूएस टू ईयर ट्रेजरी ये है आपका, यहाँ पर भी हमें एम के लिए इंतजार है लेकिन एम मिला नहीं है, बट प्राइस एक्शंस एक नीचे की तरफ 4.13 एंड ऑन द हायर साइड 4.45 के रेंज के अंदर में फंसा हुआ है। इसको यहाँ पे मिस प्राइस बिल्डअप करने के बाद ये कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, पॉसिबली ऑन द मीन्स एक्सपेक्टेशन वाइज नीचे की तरफ होना है, लेकिन प्राइस एक्शन हमें कंफर्म करना पड़ेगा। लेकिन अभी ये दोनों साइड में आप वॉलेटाइल बिहेवियर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। सो करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतना, आशा करता हूँ प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।